नमस्कार दोस्तों, अर्ली उड पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, भयंकर उछाल ईएमआई मॉरेटोरियम, सभी बैंक एनबीएफसी आरबीआई की रिपोर्ट का 80% इंक्रीमेंट हुआ है मॉरेटोरियम में, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे, वीडियो जरूर से पूरा देख लेना और वीडियो देखने के बाद अंत में आपको मालूम चल जाएगा जो आपको मॉरेटोरियम 3.0 मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो अभी आरबीआई की जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई है, सरकारी रिपोर्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल रिपोर्ट है, जिसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा जो मॉरेटोरियम मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो जरूर देख लेना। 4 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है, 3 से 4 मिनट का होगा या हो सकता है उससे कम का भी हो, लेकिन मैक्सिमम 4 मिनट का वीडियो हो सकता है, पूरा देख लेना, ठीक है। चलो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए, ब्लूमबर्ग क्विंट का है, मालूम ही होगा ब्लूमबर्ग क्विंट भी एक बिजनेस काफ़ी बहुत ही बड़ी पोर्टल है। ब्लूमबर्ग यूएसए की कंपनी है जिन्होंने इंडिया में इनका पार्टनरशिप है ब्लूमबर्ग क्विंट के साथ में, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं इसका, इनका ये बोल रहा है रिपोर्ट, जो नियरली हाफ ऑफ ऑल बैंक्स लोन वेंट अंडर मॉरेटोरियम आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट शोज। मतलब क्या है, आरबीआई की एक रिपोर्ट आई हुई है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, ठीक है, जिसमें ये बताया गया है जो लगभग सभी बैंकों, चाहे गवर्नमेंट और प्राइवेट, सभी बैंकों का 50% लोगों मॉरेटोरियम लिया है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, जो 80% रिपोर्ट है वो सरकारी रिपोर्ट ये है, जो सरकारी बैंकों यानी पब्लिक सेक्टर बैंक है तो उनका ओवर 80% ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिविजुअल बोरोवर ऑप्टेड फॉर मॉरेटोरियम आरबीआई रिपोर्ट सेज, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ, जो आरबीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट में यह बताया गया है, जो जितने भी सरकारी बैंक हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक हैं, उन सभी बैंकों का 80% कस्टमर ने लोन मॉरेटोरियम, यानी 80% लोगों ने मॉरेटोरियम को चुना है, 80% लोगों ने मॉरेटोरियम लिया। यदि सपोज करो 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 80 लोगों को जरूरत पड़ी मॉरेटोरियम लेने का, क्योंकि सभी की हालत ख़राब है। अब 20% लोग जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, ठीक है, हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन हैं, उनको जरूरत नहीं है, मीन 20% अपर क्लास लोग हैं, अपर इनकम ग्रुप का, ठीक है। तो अब देखो, कहने का मतलब ये है, यदि 80% लोन मॉरेटोरियम के अंदर आ गया तो अब आप समझ लो, जो इसी लाइन में सारा चीज़ समझ में आ जाती है, जो 80% यदि लोन अंडर मॉरेटोरियम आ गया तो फिर मॉरेटोरियम, तो फिर पैसा, ये बैंकों का भी पैसा तो डूब ही जाएगा, बैंक डूब ही जाएगा, ठीक है। तो इससे बेहतर ये है, जो क्यों ना मॉरेटोरियम एक्सटेंशन 3.0 दे दिया जाए, ताकि बैंकों को भी राहत मिल जाएगी, वो भी अपना पैसा वसूल पाएगा और ग्राहक को भी असर नहीं पड़ेगा ज़्यादा, और वो भी धीरे धीरे करके चुका पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का और इस रिपोर्ट का मतलब यही है, इसमें यही चीज़ बताया गया है, जो 80% सरकारी बैंक वालों का लोन मॉरेटोरियम के अंदर है, और टोटल यदि मिला लें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का, तो ऑन एन एवरेज ये 50% से ज़्यादा मॉरेटोरियम के अंडर आया है। तो इसका मतलब यही है, अब ये लोन जो है निकलेगा कैसे, ये पैसा आएगा कैसे, तो इसका समाधान एक ही है, जो मॉरेटोरियम को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। अब ये देखो, टू मैनी मॉरेटोरियम सीकर्स फ्रॉम पीएसबी, मतलब बहुत से लोगों ने मॉरेटोरियम, पब्लिक सेक्टर बैंकों का मॉरेटोरियम लोगों ने लिया है, 80% अपने आप में बहुत भी बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, और ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। यदि आपको थोड़ी फाइनेंशियल जानकारी होगी ना, तो आप खुद समझ जाओगे जो आखिर ये 80% लोन यदि मॉरेटोरियम में चला गया दोस्तों, तो हालत ख़राब, समझ रहे हो बात को। तो आप लोग भी यदि लोन लिए हो तो यार कुछ ना कुछ काम वाम कर लो, ठीक है, तो तभी ना दे पाओगे, नहीं तो फिर रिपोर्ट ख़राब होगी, सिविल ख़राब होगी, फिर दोबारा लोन का जरूरत पड़ेगा तो कोई देगा नहीं। तो इसीलिए दोस्तों आपको बता दें, मॉरेटोरियम 3.0 तो आने की संभावना पूरी है, और यदि आप अर्निंग करना चाहते हो ऑनलाइन, तो हमने स्टार्ट किया हुआ आप लोगों के लिए ऑनलाइन, किस तरह से क्या क्या तरीका है, कौन कौन से प्रोसीजर हैं जिनसे आप करके, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो, सिर्फ अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके, और कुछ नहीं करना है, मोबाइल का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों वीडियो आना स्टार्ट हो गया है, एक वीडियो हमने डाला हुआ, ये बस इंट्रो वीडियो था, इसमें हमने बताया था जो बेसिकली क्या क्या, किस किस तरीके से, कब कब आने वाली है वीडियो जिसमें, ठीक है, क्या क्या, कौन कौन सी टॉपिक पर वीडियो आएगी, तो ये वाली वीडियो देख लेना, पैसा कमाना सीखें ऑनलाइन वाला, ठीक है। इस वीडियो में हमने बहुत कुछ बताया हुआ, यदि आप देखोगे सीखोगे तो सीख जाओगे, आप नहीं सीखोगे तो फिर क्या करोगे, टाइम पास करते रहोगे।
समझ गए, तो बुरा लग रहा है तो हम क्या करें आपको, ठीक है? तो यही हकीकत है, सच्चाई है। यदि आपको बुरा लग रहा है कोई भी चीज़, तो समझ जाओ वो कड़वी चीज़ है और दवाई है और सच्चाई यही है, ठीक है? सच्चाई कड़वी होती है हमेशा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपको बता दें, मोरेटोरियम एक्सटेंशन 3.0 होने की संभावना पूरी पूरी है और आएगी ही आएगी, और क्योंकि 80% लोन जो है अंडर मोरेटोरियम चला गया, तो उस लोन को रिकवरी करना सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, मोरेटोरियम देना, ठीक है? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वाला देख लेना वीडियो, और वीडियो डेली आके यूट्यूब पे देख, अर्लीवुड पे देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आने वाली है। आप एक घंटे के अंदर आप अर्निंग स्टार्ट करना कर सकते हो, आप एक घंटे तो मैंने बहुत बताया, 4-5 मिनट के अंदर ही कमाना स्टार्ट कर दोगे यदि जो फॉलो करोगे बात को, तो ठीक है? तो वो दोस्तों वीडियो में इतना, वीडियो देखें बहुत बहुत धन्यवाद।